दिल्ली की हवा में जहर, पराली का धुआं बना खतरनाक, जाने देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी बुधवार को एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR की हवा में पराली का धुआं घुलने की वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई है। दिल्ली और नोएडा के आसमान में हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। इस जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण के मामले में बात अगर टॉप 10 शहरों की करें तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है। वहीं दिल्ली इस लिस्ट में खराब एयर क्वालिटी के साथ चौथे नंबर पर है। वहीं ग्रेटर नोएडा छठे और नोएडा सातवें नंबर पर है। देश के उन टॉप 10 शहरों की लिस्ट सामने आई है। बुधवार को हवा बेहद खतरनाक रही भी है। इसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है, दूसरे नंबर पर बहादुरगढ़ जो दिल्ली में है, तीसरे नंबर पर हापुड़ उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है, वहीं चौथे नंबर पर दिल्ली है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सिंगरौली मध्य प्रदेश का ये एक जिला है, जबकि छठे नंबर पर ग्रेटर नोएडा है। वहीं नोएडा इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है। दिल्ली का अलीपुर अब तक सबसे प्रदूषित इलाका दर्ज किया गया है। यह हवा की गुणवत्ता 388 दर्ज की गई है। वहीं द्वारका सेक्टर 8 में बुधवार का AIQ 339 दर्ज किया गया है। आनंद विहार की हवा भी पिछले कई दिनों से लगातार खराब बनी हुई है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि GRP 1 लागू हो चुका है। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली की वजह से दिल्ली नोएडा की हवा में जहर घुल रहा है, लेकिन ये मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दिल्ली की हवा की क्वालिटी हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। फिलहाल इस प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत अभी तो नहीं मिलती दिख रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शनिवार तक हवा की गुणवत्ता खराब रहने की आशंका जताई है। इसके बाद तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। दिल्ली के आनंद विहार और जहांगीरपुरी की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, जबकि द्वारका सेक्टर 8 और बवाना समेत 20 से ज्यादा जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। दिल्ली की हवा जहरीली होने की सबसे बड़ी वजह हरियाणा पंजाब में पराली जलाया जाना है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली नोएडा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिन लोगों को सांस संबंधी कोई भी परेशानी है, उनको इस वक्त संभल कर रहने की जरूरत भी है। बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले और पूरी तरह से एहतियात बरतें। बुजुर्गों और बच्चों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये दम घोंटू हवा है, इसे संभल कर रहें और अपना ध्यान खुद रखें। इस बारे में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।